वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आज है बेसिकली फ्राइडे नाइट। इंस्टेंट प्लान बनाया हमारा दुबई जाने का। कैसे बन गया प्लान, बहुत लंबी स्टोरी है। हम लोग जा रहे थे मलेशिया, बच्चों की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से मलेशिया का जो प्लान था वो हमें आगे करना पड़ा। फिर फ्लाइट नहीं थी इसलिए मलेशिया जाना है तो 10-11 दिन तो एटलीस्ट हमें मिलने चाहिए थे। उन्होंने फ्लाइट कैंसिल की और दुबई क्राइम पार्टनर हमदान और वो भी मेरे साथ था। जब उसको पता चला तो उसने बोला कि यार तुम लोग सब कुछ छोड़ो, तुम लोग मेरे पास आ जाओ दुबई। तो हम लोग अभी जा रहे हैं UAE, कल हमारी फ्लाइट है। इंस्टेंट प्लान बना है बिल्कुल, ऐसे कुछ भी नहीं किया हुआ, डॉलर्स भी नहीं निकलवाए हुए, ना पैसे हैं, अब पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हैं लेकिन कैश नहीं है। तो बस अब इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन रात के 8:30 और सुबह 12 बजे की फ्लाइट है। मेरा तजर्बा है जब भी इंस्टेंट प्लान बनता है तो उसमें बहुत मजा आता है। शॉपिंग करने का टाइम नहीं था इसलिए शूट का ही जो बैग है उसको ही खोला है और उसमें से जो कैरेक्टर है सुल्तान उसके कपड़े चुरा लिए थोड़े से। बैग पैक करा के मैं इजी हो गया हूँ और अब हम जाएंगे डॉलर्स लेने के लिए। डॉलर्स की तलाश पाकिस्तानियों को हमेशा रहती है। उसका रेट बड़ा अच्छा हो गया, 285 रुपीज का रेट हो गया डॉलर का, जो कि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो उससे काफी कम है। वो सब चलते हैं ढूंढते हैं कहीं पे कहीं किसी के पास डॉलर मिल जाए, अदरवाइज ये कि कार्ड यूज कर लेंगे बट ये कि मिल जाएंगे इंशाल्लाह डॉलर। खतरनाक रश हुआ हुआ इस वक्त तो एयरपोर्ट के ऊपर, ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान के एयरपोर्ट, लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, पता नहीं क्या हुआ। आई थिंक उमरे की फ्लाइट सारी तो रश बहुत। अच्छा काम हुआ अभी ले ली क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है जब आप डॉलर लेते हैं, बायोमेट्रिक होता है, तस्वीर होता है। सुबह एमन और बच्चों को वेट करा के बहुत मुश्किल हो जाता, वेरी वाइज डिसीजन, अच्छा वो भी ले ली। थोड़ी सी ख्वारी हुई है लेकिन चलो कह रहे वर्थ इट। कराची से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने जाते। हाँ जी, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और जिन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी थी और हमें ड्रॉप करना था वो भाई जो है वो सोते रह गए। क्या हुआ, उसका नंबर ही बन जा रहा है। छोटे भाई को मैंने उठाया, बेचारा बहुत ही वो सीधा हालत में उठा और निकलने लेट हो गए भाई। तो शुरुआत ही जो है वो ट्रिप की बड़ी ऑफ हुई है। पान रख ले गाड़ी में, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। अमल इज सिटिंग इन द कार, शी इज सो एक्साइटेड आज, वरना यूजुअली रोते हुए मॉर्निंग होती है लेकिन आज तो वेरी गुड मॉर्निंग हुई है। This much. The car is all set. Mama is coming. यार क्या सुबह सुबह की वाइब ही अलग होती है। अच्छा आज है भी सैटरडे तो रोड पे ट्रैफिक भी बहुत कम है। Finally we are here, international departures. यार साइड पे लगा। चल भाई ओके, अल्लाह हाफिज़, लेट्स गो, लेट्स गो, चले। हाँ जी, हेलो हेलो। इसकी होती है ब्लैक एंड व्हाइट की, पर ब्लैक एंड व्हाइट ही कर दो फिर, जिंदगी वैसे इतनी रंगीन है। वी गो टू द पूल इन दुबई ना, नॉट हियर। खातून मिल गई थी इमिग्रेशन पे, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल किया तो, लेकिन लाइन हमने नहीं तोड़ी। उन्होंने आंटी ने हमें खुद ही जो है वो बोला कि बेटा आप इधर से आ जाओ, ये खाली है। तो हम उस काउंटर में चले गए, टाइम हमारा बच गया। मैजेस्टिक लाउंज में मैंने 10 मिनट लगा के ऑर्डर किया, फिर आपने सब कैंसिल कर दिया, मोए मोए हो गया मेरे साथ। तो नया बैठी हुई थी, हमने आके इतना बुरा मुंह बनाया उनको देख के, आंटी थी आंटी उसको नए, फिर उन्होंने कहा आपके साथ बच्चे हैं आप लोग बैठे। निकलते ही फर्स्ट मील ऑफ द डे इज हियर। ये मैं नहीं खा सकता, ये आई कैन हैव अ लिटिल वन, अ लिटिल बाइट। व्हाट डिड यू ऑर्डर? मुझे क्या पता था, मैं समझा कि तो बिल्कुल ही रोल समोसे रिफ्रेशमेंट आ गई शूट की। यार अमल के बहुत फैंस हैं, अमल आपके इतने फैंस हैं, पीपल लव टू टेक पिक्चर्स विद यू। ओह द कॉफी बीन यहाँ भी बना हुआ भाई। यूजुअली एमिरेट्स की फ्लाइट जो है वो इतनी डिले होती नहीं है लेकिन आज पता नहीं, शायद हम लोग जा रहे हैं किड मील फॉर अमल। वी हैव इट, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, नाइस पिक्चर, थैंक यू, यू हैप्पी? बार्बी Let's what? Whoa. Huh? Okay. वो लगेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, रांची से गुजरा वाला शिफ्ट होने वाला लगेज है इतना। यार कोई मसला नहीं है, आ जाए। अच्छा करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट से कभी मत कर रहे हैं आप लोग, ये कि यहाँ पे बाबू यार रेट मिलता है। ये जो मजे ना तुम लोगों के सुपर सफारी, कितने के लिए तूने? 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख दिरहम, सॉरी सॉरी रुपए निकल रहे हैं मुंह से।
क्या शॉट है यार, अस्सलामुअलैकुम। मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, एक्चुअली मैं आया था दुबई, मेरा वॉलेट गुम गया, कैन यू जस्ट गिव मी 2000 दिरहम। मैंने मुझे लास्ट टाइम पंजा रहा था बेटा, इस दफा मैं बहुत प्रैक्टिस करके आया। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मैं इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? मुंबई। मुंबई, मुंबई का किंग कौन बता? बीकू मात्रे। ब्यूटीफुल रूम। दुबई की जो ये वाली बात है ना, खूबसूरती, जबरदस्त। थाई रेस्टोरेंट है टुक टुक थाई किसी के नाम से। इतफाक से जब मैं जा रहा था तो मैंने ये रेस्टोरेंट देख लिया, तो अभी हमने ऑर्डर दिया यहाँ। ओके, टेक 100, आई गिव यू मोर। हाँ सर, वेयर यू गाइस फ्रॉम? थाईलैंड। यू थाईलैंड? कापा काप स्वादिका, आई हैव बीन टू थाईलैंड लॉट ऑफ टाइम, ब्यूटीफुल प्लेस। यस सर, आई विल ईट एंड देन आई विल टेल। थैंक यू। ओए होए, क्या जिम है यार, अच्छे जिम की क्या वर्थ होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वही लोग समझ सकते हैं। 4-5 घंटे हुए हैं और मैं आ गया हूँ वर्कआउट करने के लिए। आज की एक्सरसाइज खत्म, फिर जाना है डिनर पे, पता नहीं क्या प्लान बना के बैठा हुआ दोस्त। सो स्टे ट्यून्ड। दो दो बच्चों के साथ ट्रैवल करने का भी गाइस एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और खास तौर पे जब जब दोनों बच्चे जो है वो छोटे हों। लेकिन ये कि मजा आता है जब आपकी फैमिली कंप्लीट होती है। गल गल के बी प्राग आ रहा है आज, शायद हो सकता है हमारा एनकाउंटर जो है वो बी प्राग के साथ हो जाए। सो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं। वे फिर तेनु पता लगना। आपू का कुछ काम नहीं है। उठा लेना प्लीज इधर। चलो भाई लेट्स गो। हेलो माल। बाबा। जी जानू। क्या भैया? छोले भटूरे। छोले भटूरे आम सी बम्बई छोले भटूरे। चार ही मंगाए, बस एक ही पीस खाना है। होता क्या छोले भटूरे? ये तो लोबिया है भाई, राजमा कहते हैं उसको पंजाबी में। ये वाला अपना काम वाला है, कौन सा वाला? ये खाने के नहीं है ब्रो। रियली? यस। तो बिल्कुल सकते हैं यार। ब्रो ये ट्राई कहते हैं गोलगप्पा, टिपिकल पंजाबी गोलगप्पा। मैंने जब मुंह में डाला ना तो मेरे ऐसे जाके फट गया कि मुझे मजैया आ गए। यस ब्रो। What is the name of the dish, brother? Very famous in the Japanese beef. Yes, sir. Yes, I know about the wagyu beef. Yes. Okay. I don't want this protein shake. Put it back. Yes, sir. You are so late, brother. Time, value, nothing. Yeah, देखो मतलब तकलीफ छोड़ो, उसके बाद की कोई तकलीफ।